आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है सेक्स क्रोमोसोम एंड सेक्स इंटरग्रेशन। अब सेक्स क्रोमोसोम क्या है? बेसिकली वो क्रोमोसोम जो नेक्स्ट जनरेशन में सेक्स को डिटरमाइन करें, ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम का नाम देते हैं। तो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या थी? द टाइप ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ offspring। आप इसे यहां पे नेक्स्ट जनरेशन का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है जी। तो जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या है, ये क्रोमोसोम के ऐसे टाइप है जो कि अगली जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले offspring है, उनमें सेक्स को डिटरमाइन करती है। अब बेसिकली यहां पे तो वर्ड है सेक्स, इससे मुराद कि आया का जो पैदा होने वाला है वो फीमेल है कि वो मेल है। तो फीमेल की डिटरमिनेशन या मेल की डिटरमिनेशन के लिए जो ऑफस्प्रिंग है, जो कि एक बेबी डेवलप हुआ है, इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। कुछ क्रोमोसोम बॉडी के सेक्स पैटर्न को फीमेल है या मेल है, कुछ क्रोमोसोम ऑटोसोमल क्रोमोसोम की कंडीशन में होते हैं, जो देखना है कि ऑटोसोम कौन से हैं और सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। क्रोमोसोम दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और दूसरे को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो है जो कि बॉडी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि बेसिकली अगर हम इसकी बात की जाए तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम वो है जो हमारी ग्रोथ करवा रहे हैं, डेवलपमेंट में इन्वॉल्व कर रहे हैं और हमारे डिफरेंट एडेप्टेशन करवा रहे हैं। जबकि सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो ये वो क्रोमोसोम है जो कि जर्म्स, जिसे हम लोग गैमेट्स भी कहते हैं, गैमेट यानी कि स्पर्म और एग की तरफ बनवाते हैं और अगली नस्ल में मेल और फीमेल को कंट्रोल करते हैं, इनको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम का नाम देते हैं। अगर हम लोग सेक्स क्रोमोसोम की बात की जाए तो इसका आधार मेंडल के वर्क के 1911 से बाद में हुआ, जब मेंडल ने अपने लॉ सर्टिफिकेशन इंडिपेंडेंस फॉर्म में दिया तो सेक्स की तरफ साइंटिस्ट का फोकस किया। जब साइंटिस्ट ने सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक्स में जाकर रिसर्च की तो टी एच मॉर्गन का नाम है। टी एच मॉर्गन ने क्या किया, इसने ड्रोसोफिला के ऊपर काम किया और तब इसे पता चला कि जो एक ड्रोसोफिला है उसमें फीमेल और मेल, जब इसमें इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनकी डिफरेंट एडेप्टेशन लाइफ में, इनका खुराक कैसे चाहिए, सारा कुछ स्टडी किया, तो उसके दौरान इसने इनके क्रोमोसोम को भी स्टडी किया, इसे पता चला मेल और फीमेल में कुछ क्रोमोसोम बिल्कुल सिमिलर है, जबकि एक क्रोमोसोम का जोड़ा, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा है जो कि फीमेल में सिमिलर है, मेल में डिफरेंट है। बाद में इसने देखा कि वो जो डिफरेंट क्रोमोसोम है वो मेल में मिलते हैं, जो सिमिलर पेयर क्रोमोसोम है फीमेल में मिलते हैं, तो उनको सेक्स क्रोमोसोम का नाम दिया गया। अब आप देखते हैं कि फीमेल जो ड्रोसोफिला की तरफ आते हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला जिसे हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं, इसमें जो फीमेल है ड्रोसोफिला जॉन सी मिलती है, हम लोग कह रहे हैं मेल या फीमेल, इसके अंदर एट क्रोमोसोम होते हैं, आठ क्रोमोसोम होते हैं जो कि फोर पेयर की फॉर्म होते हैं, ठीक है जी। आठ क्रोमोसोम होते हैं ड्रोसोफिला में जो किस फॉर्म होते हैं, चार पेयर की फॉर्म होते हैं। जब इसने स्टडी किया तो पता चला जो मेल है और फीमेल है इसमें तीन पेयर तो बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। जब एक दो तीन पेयर मेल और फीमेल में सिमिलर थे, जबकि जो फोर्थ पेयर था वो फीमेल के अंदर रॉड शेप था,
जबकि मेल के अंदर एक क्रॉस शेप और एक डिफरेंट शेप में था, क्योंकि जे शेप बनता था। हमने इनको एक्स क्रोमोसोम का नाम दिया, इसको एक्स और इसको वाई क्रोमोसोम का नाम दिया। इसी तरह बाद में रिसर्च ह्यूमन की तरफ देखा गया तो ह्यूमन के अंदर भी यही फिनोमेना मिला। अगर हम लोग ह्यूमन की तरफ आते हैं तो ह्यूमन में जो फीमेल है इसमें भी 46 क्रोमोसोम होते हैं जो कि 23 पेयर की फॉर्म में होते हैं, और इसी तरह मेल की तरफ आए तो मेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं जो 23 पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब मेल और फीमेल, ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल की तरफ देखा जाए तो 23 पेयर है, वो मेल और फीमेल में से जो 22 पेयर है वो दोनों में सेम है, एक जैसे हैं, जिन्हें हम लोग ऑटोसोमा का नाम देते हैं। जबकि जो 23rd पेयर है वो डिफरेंट है, ठीक है जी। कैसे? फीमेल के अंदर 22 पेयर सिमिलर है और जो थर्ड पेयर है वो एक्स एक्स है। मेल के अंदर 22 क्रोमोसोम सिमिलर है पेयर की फॉर्म में, जो 23rd है वो एक्स और वाई का है। तो यहाँ पे मेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है, उसमें एक आधे फॉर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा आधे में वाई, जबकि फीमेल होमोगैमेटिक है, उसमें जितने भी एक्स प्रोड्यूस होंगे सब में एक्स ही होगा। इसी तरह अगर हम लोग ग्रास ऑफर की तरफ चलते हैं तो ग्रास ऑफर की बात करते हैं, तो जो ग्रास ऑफर है इसमें थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। जो फीमेल ग्रास ऑफर है इसके अंदर 24 क्रोमोसोम है, यानी कि इसके अंदर 12 पेयर है, जबकि जो मेल ग्रास ऑफर है इसमें 23 क्रोमोसोम है। जो कि किस तरह नहीं, 23 क्रोमोसोम का बेसिकली पेयर तो नहीं बन सकता है आसानी से, तो इसका क्या है, इसमें 11 पेयर होते हैं और एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। जबकि फीमेल की बात की जाए इसमें 11 पेयर वही होते हैं जो कि सिमिलर है मेल वाले के, और जो एक्स्ट्रा पेयर होता है वो दो एक्स होते हैं। अब मेल के अंदर सिर्फ एक एक्स है तो हमें कहते हैं इसके अंदर दूसरा एक्स मिसिंग है, ऐसे मेल को हम ठीक है, तो हम कहते हैं ग्रास ऑफर जो मेल है वो इस कंडीशन में मौजूद है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब इसके गैमेट्स में देखें तो आधे स्पर्म में एक्स चला जाएगा और आधे स्पर्म जो बनेंगे उनमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। ऐसा स्पर्म या ऐसा गैमेट जिसमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम ना हो तो हम लोग उसे मेल गैमेट का नाम देते हैं, ठीक है जी। ऐसा गैमेट जिसके अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ना एक्स है ना ही वाई है, सिर्फ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम मौजूद है, तो ऐसे को हम लोग मेल गैमेट का नाम देते हैं। उसके बाद अब सेक्स क्रोमोसोम हमने देख लिया कि डिफरेंट और गैमेट में डिफरेंट है, लेकिन अगर एक स्पीशीज की बात की जाए तो मेल और फीमेल में कुछ क्रोमोसोम पेयर सिमिलर होते हैं जिन्हें हम लोग ऑटोसोमा का नाम देते हैं। जबकि एक पेयर कम से कम कोई ना कोई ऐसा आता है जो कि डिफरेंट होता है, चाहे मेल में हो सकता है चाहे फीमेल में हो सकता है, उन्हीं को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों? मेल में फीमेल होगा तो दोनों सिमिलर हो सकते हैं, मेल होगा तो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। अब चलते हैं डिटर्मिनेशन के, हम लोग किस तरह किस मैकेनिज्म से बता सकते हैं कि जो अगली नस्ल आएगी वो मेल हो सकती है या वो फीमेल हो सकती है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सेक्स क्रोमोसोम डिटरमिनेशन, या जिसे हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन का नाम भी देते हैं। ठीक है जी, सेक्स डिटरमिनेशन क्या है? इसमें हमें मैकेनिज्म यूज करना है कि जिसके जरिए हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगली नस्ल मेल है या फीमेल है। अब इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म है, हमें एक्स को मैकेनिज्म मिलता है, इसके अलावा एक्स वाई मैकेनिज्म मिलता है, इसी तरह हमें एक रिवर्स मैकेनिज्म मिलता है जिसे WWZ मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है जी। ये मैकेनिज्म एक्स वाई मैकेनिज्म का रिवर्स होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मैकेनिज्म की तरफ से, एक्स
co-mechanism. ठीक है जी, एक्सो मैकेनिज्म हमें मिलता है किनमें, ये हमें ग्रास ऑफर और प्रोटीनल बग में मिलता है। इसमें होता है क्या, जो फीमेल है वो होमोगेमेट है, ठीक है जी, उसके जितने भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम लिए होंगे। जबकि मेल की तरफ आया जाए तो मेल के अंदर ही हेटेरोक्रोमैटिक है, इसके अंदर एक सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरा है नहीं, जिसकी वजह से इसके जितने भी स्पर्म पैदा होंगे हाफ स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा और हाफ स्पर्म के आगे ये नल गैमेट्स में रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। अब अगर हम लोग पेडिग्री की तरफ देखें, इस एग के साथ अगर ये स्पर्म आगे जुड़ता है तो जो आगे नस्ल पैदा होगी उसमें डबल एक्स होगा, इसका मतलब है ये फीमेल है। इसके बाद अगर ये एक्स और ये स्पर्म जुड़ता है तो अगली नस्ल में एक क्रोमोसोम एक्स का है, दूसरा है नहीं, तो ये क्या होगा, ये मेल होगा। तो इस तरह जो अगर हम लोग चांसेस की बात करें तो ये चांस 50-50 है, यानी कि 1-1 रेशियो, इक्वल चांस है कि मेल ग्रास ऊपर पैदा हो सकता है, इक्वल चांस है कि फीमेल ग्रास ऊपर पैदा हो सकती है। इसी तरह दूसरा मैकेनिज्म है जो कि एक्स वाई मैकेनिज्म है, ये ह्यूमन दूसरे कुछ मैमल्स और ड्रोसोफिला जिसे हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है जी, एक्सटर्नल मैकेनिज्म की तरफ आते हैं तो ये किन किन में पाया जाता है, ये ह्यूमन कुछ अदर ऑर्गेनिज्म और ड्रोसोफिला में पाया जाता है। अब इसमें होता क्या है, सेम वही बात है कि इसमें जो फीमेल होती है वो होमोगेमेटिक होती है और जो मेल होता है वो हेटेरोगेमेटिक होता है। फीमेल के जितने भी एग प्रोड्यूस होंगे उन सब में एक्स क्रोमोसोम ही होगा, जबकि जो मेल है इसके हाफ क्रोमोसोम में एक्स हाफ स्पर्म में सभी एक्स होगा और इसके हाफ स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होगा। अगर इस एग के साथ ये स्पर्म आके फ्यूज करता है तो जो अगली नस्ल है उसमें डबल एक्स होगा, तो ये बेसिकली क्या है, ये अगली नस्ल भी फीमेल ही पैदा होगी। जबकि एक्स एग के साथ वाई स्पर्म आके जुड़ता है तो अगली नस्ल में ये कंडीशन आएगी जो कि क्या है, मेल है। अगेन वही बात है कि मेल और फीमेल बनने की जो रेशियो है वो 1:1 है, यानी कि इक्वल चांस है कि अगली जनरेशन में मेल है, इक्वल चांस है अगली जनरेशन में फीमेल है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि वाई क्रोमोसोम की बात की जाए तो वाई क्रोमोसोम बेसिकली मेल नस्ल को डिटरमाइन करता है कि ये अगली नस्ल मेल की है, लेकिन इसके ऊपर एक शॉर्ट आर्म के ऊपर एक टिप के ऊपर एक जीन होती है जिसे हम लोग एस आर वाई कहते हैं, सेक्सुअल रिकॉग्निशन रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये जीन जब एक्टिव होती है तो कुछ कंपाउंड बनते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसा जीन है टोटली 204 हमारे ऐसे बनाती है, ठीक है, ये जीन है ये प्रोटीन बनाती है जिसके अंदर 204 अमीनो एसिड होते हैं। वो प्रोटीन बेसिकली क्या है, ये मेलोरोजिन इनहिबिटर प्रोटीन है, ये मेलोरोजिन इनहिबिटर फैक्टर कहते हैं, ये एक डक्ट सिस्टम है मेलोरोजिन जिसको जिसकी डेवलपमेंट रोक देता है, जैसे वो डेवलपमेंट रोकती है तो वो जो डक्ट सिस्टम का वो टेस्टिस की तरफ डेवलप होना शुरू कर देता है, जैसे ही टेस्टिस डेवलप होती है टेस्टोस्टेरोन रिमूव कर स्क्रीन किया जाता है और वो जो बेटी था वो मेल में डेवलप होता है। अगर किसी वजह से ये जीन अपना काम ना कर पाए, वाई क्रोमोसोम मौजूद है लेकिन एस आर वाई जीन अपना काम नहीं करता तो एम आई पी प्रोटीन नहीं बनेगी, जब ये नहीं बनेगी तो मेलोरोजिन डक्ट सिस्टम डेवलप होगा। वो डक्ट सिस्टम यानी वो डक्ट सिस्टम बेसिकली बेस है, बुनियाद है किसकी, फीमेल डेवलप होने की। इस वजह से वाई क्रोमोसोम होने के बावजूद अगर एस आर वाई जीन एक्टिव नहीं हुई तो वो जो था मेल होने वाला वो फीमेल पे डेवलप करता है। इसी तरह अब हम लोग चलते हैं अपने आखिरी पैटर्न मैकेनिज्म की तरफ जो था WW और WZ मैकेनिज्म। अगर आप इस मैकेनिज्म की बात की तो ये बर्ड्स कुछ इंसेक्ट जैसे कि मॉम्स वगैरह में पाया जाता है,
इसे जे सेलर ने सबसे पहले डिस्कवर किया, ठीक है, किसने? जे सेलर को साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसे मॉथ में डिस्कवर किया, ठीक है जी। अब ये प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये एक्स वाई का मैंने क्या रिवर्स मैकेनिज्म है, रिवर्स की है, इसके अंदर जो फीमेल है वो बेसिकली हेटेरोक्रोमैटिक है, बाकी सब में फीमेल होमोक्रोमैटिक है, और जो मेल है वो होमोक्रोमैटिक है, जबकि पिछले दो मैकेनिज्म में हमने देखा जो मेल है वो हेटेरोक्रोमैटिक होता है। अब इसमें क्या होता है, जो एक्स है हाफ क्रोमोसोम एग में एक्स चला जाएगा और हाफ एग में वाई चला जाएगा। जब इसी तरह देखा जाए तो जितने भी स्पर्म प्रोड्यूस होंगे सब में क्या होगा, एक्स होगा, अगर इस एग और इस स्पर्म के साथ अगली नस्ल पैदा होती है तो दोनों में क्या है, एक्स आएंगे। ये बेसिकली पहले तो मैकेनिज्म है फीमेल थे, लेकिन इस मैकेनिज्म में ये मेल बनेंगे, और अगर ये एग और ये स्पर्म मिलते हैं तो अगली नस्ल में एक्स और वाई आ जाता है। पिछले दोनों मैकेनिज्म में क्या था, ये मेल था, लेकिन इस मैकेनिज्म में ये फीमेल होगी। इस मैकेनिज्म में जो अगली नस्ल है वो एग के ऊपर डिपेंड करती है कि एग जिस नेचर पर स्पर्म के साथ फ्यूज होगा वो डेवलप होगा, जबकि एक्स वाई और एक्स ओ में बेसिकली जो डिटरमिनेशन है वो स्पर्म पर डिपेंड करता है कि अगर एक्स स्पर्म एग के साथ मिलेगा तो क्या होगा, फीमेल डेवलप होगी, अगर वाई स्पर्म एक्स के साथ मिलेगा तो मेल डेवलप होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने ड्रोसोफिला में बात की थी, ड्रोसोफिला के अंदर एक और पॉइंट भी होता है, लेकिन जैसा कि ह्यूमन मेल में वाई क्रोमोसोम मेलनेस को डिटरमाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बेसिकली ड्रोसोफिला में ऐसा कुछ नहीं होता। ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स को डिटरमाइन करने वाला सिस्टम है वो जेनेटिक सिस्टम कहलाता है। इसमें क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोमल क्रोमोसोम की रेशियो निकालनी जाती है। अगर सेक्स और ऑटोसोमल क्रोमोसोम की रेशियो 0.1 या इससे ज्यादा हो तो बेसिकली फीमेल डेवलप होगी, ठीक है जी, और अगर यही रेशियो 0.5 से कम हो जाए तो मेल डेवलप होगा, ठीक है जी। तो ये था आज हमारा टॉपिक।